यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के लिए खतरा बहुत बड़ा है, खतरा बेहद ही खौफनाक भी है। लेकिन पुतिन ने अब अपना सबसे खतरनाक हथियार बचाने के लिए एक ऐसा आइडिया अपनाया जिसकी चर्चा पूरे यूरोप में है। और बाइडेन भी हैरान है कि पुतिन आखिर ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं। अगले एक हफ्ते में अगर पुतिन का ये आइडिया फेल हो गया तो जेलेंस्की बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इस तस्वीर ने दुनिया को चौंका दिया है। जो जहाज एक हमले में यूरोप को तबाह कर सकता है, उसको बचाने के लिए पुतिन को कुछ ऐसा करना पड़ा है कि बाइडेन भी हंस रहे हैं, ऋषि सुनक भी खुश हैं, मैक्रों भी ठहाके लगा रहे हैं। जेलेंस्की का मूड दो पार्टी देने का, क्योंकि वो पुतिन की टेंशन से बहुत बहुत खुश हैं। आखिर TU-95 बम वर्षक विमान जो परमाणु बम गिराने के लिए तैयार किया गया, उसकी इस तस्वीर को लेकर नेटो का कुनबा क्यों खुश है, ये बड़ा सवाल है। अब आप इस सैटेलाइट से ली गई तस्वीर को गौर से देखिए। इस फोटो में आप TU-95 बम वर्षक विमान के विंग्स पर रबर के टायर रखे हुए देख सकते हैं। ये वाकई बहुत अजीबोगरीब तस्वीर है। सवाल है कि आखिर TU-95 बम वर्षक विमान के विंग्स पर टायर क्यों रखे गए हैं, इसका मकसद क्या है? तो जवाब है ये ड्रोन, जो जेलेंस्की के छापामार युद्ध का बड़ा हिस्सा है। इसी ड्रोन से रूस में कई हमले किए गए हैं और अब खास तौर से इस UJ-77 ड्रोन को यूक्रेन में एयरफोर्स किलर के नाम से लोग जानने लगे हैं। ड्रोन जब अटैक करता है तो खुद को तबाह करके दुश्मन के अड्डे को बर्बाद कर देता है। ऐसा रूस को ईरान से मिला शाहिद ड्रोन भी कर रहा है, रूस का लैंसेट ड्रोन भी कर रहा है, और अब जेलेंस्की का UJ-77 भी रूस का जानी दुश्मन बन चुका है। UJ-77 ड्रोन क्या है, इसकी तह तक जाने से पहले एक बार फिर देखिए वो सैटेलाइट तस्वीर है, जिसने नेटो के खेमे में पार्टी शुरू कर दी है, जबकि पुतिन के कैंप में हड़कंप मचा दिया है। इन तस्वीरों में ऐसा रहस्य है जिसके बारे में यूक्रेन से लेकर अमेरिका सब जानना चाहते हैं कि पुतिन को ये आइडिया क्यों और कैसे आया। रूस की सेना को लगता है कि अब विमान के विंग्स पर टायर रख दिए जाएं तो ड्रोन के खिलाफ ये ढाल का काम करेंगे और विमान बच जाएगा। ये रूस का सारातोव इलाके में एंजल्स 2 एयर बेस है, ये एक परमाणु अड्डा है। यहां दिसंबर 2022 में यूक्रेन ने ड्रोन से दो हमले किए थे और रूस की बॉम्बर फ्लीट को नुकसान पहुंचाने का दावा किया था। सारातोव में एंजल्स एयरबेस पर पुतिन के बहुत ही खतरनाक TU-95 परमाणु बॉम्बर तैनात है। इस जगह से यूक्रेन क्या पूरा यूरोप डरता है। अमेरिका भी इस एयरबेस पर अपनी सैटेलाइट से 2400 घंटे नजर रखता है। यह रूस का बहुत ही सीक्रेट एयरबेस है। देखिए यहां जब गतिविधियां होती हैं तो क्या होता है, सब समझ जाते हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऑर्डर आया है, पूरा एयरबेस एक्टिव हो जाता है। मिशन के लिए फौरन रूस का एक खतरनाक न्यूक्लियर बम वर्षक TU-95 तैयार किया जाता है। ये पुतिन का बहुत ही पावरफुल शो कहा जाएगा, जो दुनिया में बहुत से देशों की धड़कन बढ़ा देता है। आप कह सकते हैं कि पुतिन का परमाणु हमले का लॉन्चिंग पैड एक्टिव हो गया है। सवाल उठता है कि क्या पुतिन का मिसाइल वाला बड़ा ऑर्डर आ चुका है। ऐसी बातें इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें खुद साबित करती हैं कि हालात बहुत गंभीर। पुतिन न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भी अपने इस परमाणु बम वर्षक को उड़ाकर अमेरिका को लगातार डराते रहते हैं। लेकिन यहां तक पहुंचकर जेलेंस्की ने बता दिया था कि अब रूस के एटम बम भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहां दिसंबर में एक बड़ा धमाका हुआ था जो एक CCTV में रिकॉर्ड हुआ और उसकी धमक पूरी दुनिया में महसूस की गई। एक बार फिर देखिए धमाका कितना बड़ा था।
कितना नुकसान पुतिन को हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इन हमलों ने यूक्रेन के युद्ध को बहुत खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। आपको इस मैप को ध्यान से देखना होगा, यहाँ यूक्रेन भी है, रूस भी है। दिसंबर 2022 में यूक्रेन के टारगेट बने रूस के दो मिलिट्री बेस, एक है रयाजान में जो यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर है, और दूसरा है सारातो जो कीव से 1100 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों ही एयरबेस पर हमला हुआ। दावा किया गया रूस की TU-90 फ्लीट को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। सारातोवा के इस एयरबेस से पुतिन TU-160M ब्लैक जेट बॉम्बर भी ऑपरेट करते हैं, और TU-95 जैसा बड़ा बम वर्षक तो है ही। ये पुतिन के लिए बहुत कीमती हथियार है। देखा जाए कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध में जब मिसाइलों और रॉकेट की बरसात ने ज़ेलेंस्की को दहशत से भर दिया है, तब रूस में ऐसे हमले हो रहे हैं जिसने पुतिन की नींद भी उड़ा दी है, क्योंकि पुतिन को अपने परमाणु बम वर्षक के लिए नए एयरबेस का इंतजाम करना पड़ा। अब यही हालात रूस के कई एयरबेस पर दिखने लगे हैं। अब विमान के विंग्स पर गाड़ियों के टायर रखकर रूस की सेना धमाके से असर को कम करना चाहती है। अगर यूक्रेन की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ तो नुकसान कम से कम हो। फिलहाल TU-95 को क्रूज मिसाइल से किए जा रहे हमलों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पुतिन इस वक्त अपने बड़े बड़े बम वर्षक विमानों से यूक्रेन पर हमला कर रहे हैं, और इनमें TU-22 भी शामिल है और TU-95। ऐसे विमान कई टन बम लेकर चलते हैं और फिर यूक्रेन पर ऐसे बरसते हैं कि जमीन पर कुछ नहीं बचता। पुतिन ने हाल ही में कीव पर किए गए हमलों में 11 TU-95 बम वर्षक विमानों को इस्तेमाल किया, और इन विमानों से 28 KH-55 मिसाइल फायर की गई। ये विमान कैस्पियन सागर की तरफ से आसमान में थे, और वहीं से ये मिसाइलें दागी गई जिनकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। जबकि कीव पर 16 शाहिद 136 ड्रोन से भी हमला किया गया, और ये अटैक अलग अलग दिशाओं से हुआ। पुतिन की जवाबी कार्रवाई का दर्जा रूस पर हुए हमले का लेवल तय करता है, और इस लिहाज से सितंबर का महीना तो ज़ेलेंस्की के लिए बहुत खूनी रहने वाला है, क्योंकि अगस्त में ही ज़ेलेंस्की ने पुतिन को नुकसान पहुंचाने वाले दो बड़े मिशन अंजाम दिए हैं। 29 अगस्त रात 11 बजे जब इस आग ने रूस में दहशत फैला दी, सायरन बजने लगे। ये रूस का पेस्कोव इलाका है, और यहाँ हुए धमाकों के बाद एयरबेस धुधु कर चलने लगा। इन तस्वीरों की वजह से रूस में जितनी दहशत फैली उतना शायद पुतिन गुस्से में आ गए। वो बहुत बेचैन हो गए, क्योंकि इस हमले में 20 ड्रोन से हमला किया गया, और इस अटैक में रूस के एक दो नहीं चार बड़े मालवाहक विमान IL-76 तबाह हो गए। ये वो विमान है जिनसे यूक्रेन के मोर्चे पर रसद पहुंचाई जाती थी और सैनिकों को पैरा ड्रॉप भी किया जाता था। इससे पहले 19 अगस्त को रूस के सेल्स्टी एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला हुआ था, और तब रूस के स्ट्रेटेजिक बम वर्षक विमान TU-22 M3 को ड्रोन अटैक में तबाह कर दिया गया था। तब इस तस्वीर ने पुतिन को बहुत बेचैन रखा। 24 घंटे के अंदर पुतिन की तरफ से जवाबी कार्रवाई का इंतजार होता रहा। इस तस्वीर ने रूस की इज्जत को जैसे मिट्टी में मिला दिया। इस तस्वीर को देखकर पुतिन बार बार पूछते रहे कि इसका जिम्मेदार कौन है और उसे क्या सजा दी जाए। इस तस्वीर को रूस ने दुनिया से छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतने एंगल से यह तस्वीर वायरल की गई कि रूस की बहुत फजीहत हुई।